आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। थोक बाजार में गेहूं की कीमत इस समय पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गेहूं दड़ा जो सबसे अधिक बिकता है और गेहूं का भाव पूछते ही इसकी कीमत बताई जाती है, वह इस समय बता दें 2420 रुपए यानी कि 2420 रुपए क्विंटल हो चुका है। इससे पहले गेहूं की अब तक की सर्वाधिक कीमत कोरोना काल में थी, जब गेहूं 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिका था। कारोबारियों का कहना है कि गेहूं की कीमत और बढ़ेगी क्योंकि अब अगले वर्ष ही नई फसल आनी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जिन देशों में जरूरत थी गेहूं का निर्यात किया गया था। अप्रैल में जब नया गेहूं आया था तब इसका थोक भाव बाजार में 1950 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल था। निर्यात शुरू हुआ तो इसकी कीमत बता दें 2175 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। निर्यात नियंत्रित करने संबंधी नियम लागू होते ही गेहूं अगले ही दिन गिरकर 2025 रुपए क्विंटल हो गया। कुछ दिन कीमत स्थिर रही लेकिन कीमत फिर बढ़ने लगी और अब ये 2420 रुपए पर है। पहले गेहूं का स्टॉक अधिक नहीं होता था, इस समय गेहूं में स्टॉकिस्ट सक्रिय है। अकेले जिले की बता दें कि समालखा में मंडी में 2 लाख कट्टे गेहूं का स्टॉक बताया जा रहा है। गेहूं की ज़्यादातर खरीद सरकार करती है, इस बार सीजन में गेहूं की आवक मंडी में कम रही, खरीद का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं तेज़ी के चक्कर में किसानों के साथ साथ स्टॉकिस्ट सक्रिय रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का निर्यात हुआ जिससे दाम बढ़े, दाम में निर्यात पर रोक लगी, तब भाव में गिरावट देखी गई। साथ ही बता दें कि समाल लखा मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ने बताया कि गेहूं में और अधिक तेजी की संभावना है, जल्द ही भाव 2500 रुपए क्विंटल क्रॉस कर सकता है। गेहूं के सीजन में भाव कम रहता है और इस बार सीजन में समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर गेहूं बिका। वहीं पानीपत अनाज मंडी में इस बार गेहूं की आवक 4,72,621 क्विंटल रही, जबकि पिछले वर्ष सीजन के दौरान 7,23,662 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी, अर्थात आधा गेहूं मंडी में आया है। वहीं उप सचिव मार्केट कमेटी पानीपत के अनुसार भाव तेज होने के कारण मंडियों में गेहूं की आवक कम रही, स्टॉकिस्ट सक्रिय रहे, इस बार दाना भी कमजोर था, गेहूं की फसल भी कम हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।